मेरे भक्तों को, सारे भक्तों को। नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आसाराम, जिसने देश भर में अपने पीछे लाखों लोगों को खड़ा कर दिया, अपने प्रवचन से भक्तों की ऐसी कतार लगाई जिसने यौन शोषण के आरोप लगने के बावजूद अपने बापू का साथ नहीं छोड़ा। आखिर कौन है आसाराम जो कभी हेलीकॉप्टर से भक्तों के बीच पहुंचता था और फिर सलाखों के पीछे तक का सफर तय कर लिया? तो आइए जानते हैं आसाराम बापू के बारे में। अप्रैल 1941 को सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले में जन्मे आसुमल थाउमल सिरुमलानी, जिन्हें लोग आज आसाराम के नाम से जानते हैं, 1947 में भारत के विभाजन के बाद आसाराम का परिवार गुजरात जिले के अहमदाबाद में आकर बस गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे आसाराम के पिता ने एक समय में शक्कर बेचने का व्यवसाय भी किया था। पिता के निधन के बाद आसुमल यानी आसाराम ने अपनी माँ से ही अध्यात्म की शिक्षा ली और उसके बाद घर छोड़ दिया। देश भ्रमण पर निकले आसाराम की मुलाकात नैनीताल में स्वामी श्री लाल शाह जी महाराज से हुई, जिनसे शिक्षा दीक्षा लेने के बाद यहां से आसुमल को आसाराम नाम मिला, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों को प्रवचन देने जाने लगा आसाराम, और देखते ही देखते आसाराम के शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंचने लगी। लोगों को प्रवचन देते रहते आसाराम ने 2001 में एक बार फिर से अहमदाबाद का रुख किया। धीरे धीरे आसाराम अपने प्रवचनों से शिष्यों के दिलों में जगह बनाता गया। अपने भक्तों के लिए बापू बने आसाराम ने व्यक्तिगत जीवन में लक्ष्मी देवी नाम की महिला से शादी कर ली, जिससे आसाराम के दो बच्चे नारायण साई और बेटी भारती है। एक समय ऐसा भी आया जब आसाराम की जान भी खतरे में पड़ गई। दरअसल ये घटना 2012 की है, जब गुजरात के ही गोधरा में आसाराम का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि इस हादसे में आसाराम और उनके पायलट बार बार बच गए। इस हादसे के बाद आसाराम के शिष्यों की संख्या में और भी जबरदस्त इजाफा हुआ। आध्यात्मिक संत के रूप में अपनी पहचान बना चुके आसाराम को उसके भक्त बापू कहकर बुलाते हैं। एक सच्चिदानंद ईश्वर के अस्तित्व का उपदेश देने वाले आसाराम ने 450 से अधिक छोटे बड़े आश्रम खड़े कर दिए। धीरे धीरे भक्तों में लोकप्रिय हो रहे आसाराम का बुरा दौर भी आया, जब साल 2013 में उस पर यौन शोषण का आरोप लगा। आसाराम पर उनके ही आश्रम की एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। बड़े संत के रूप में पहचान बना चुके आसाराम के खिलाफ रात 2 बजे दिल्ली के कमला नगर थाने में FIR दर्ज हुई। इसके बाद मामला सुर्खियों में छाने लगा। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवचन कर रहे आसाराम को पुलिस ने 1 सितंबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आसाराम को दबोच कर विमान से सीधे जोधपुर पहुंची। जेल में बंद आसाराम ने जमानत के लिए भी काफी हाथ पैर मारे, जिसके लिए उसने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी तक को हायर किया, लेकिन फिर भी जेल से बाहर नहीं आ सका। शाहजहांपुर की पीड़िता समेत गवाहों को धमकाने के भी आरोप आसाराम पर लगते रहे हैं। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।